हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरअप्स किस तरीके से निकालेंगे सर्कुलर कॉलम का। तो सपोज ये क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर कॉलम का, और ये जो है ये है स्टिरअप्स, और ये है वर्टिकल बार उसका, और ये है हुक। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी कि इसमें दिया हुआ है जो कॉलम का डायमीटर है ये है 300 mm का, ओके। और इसमें क्लियर कवर दिया हुआ है 40 mm, और ये जो रिंग है ये रिंग का डाया है। अब क्या होएगा कि यहाँ पे ये जो टोटल कॉलम है, यानी कि ये जो कॉलम का डायमीटर है वो 300 है, यानी कि दोनों में से 40-40 माइनस करेंगे तो रिंग का डायमीटर मिल जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 300 माइनस 80, तो वो हो जाएगा 220 mm, ओके। तो ये रिंग डाया भी हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं हुक लेंथ। क्या हुक लेंथ जो होता है वो कहीं पे 10D लिया जाता है और कहीं पे 90 लिया जाता है। तो जहाँ पे 90 डिग्री बेंड हो रहा है वहाँ पे हम 90 ले लेंगे हुक लेंथ। तो ये हो जाएगा 9 into, हाँ, डाया ऑफ बार जो है इसका वो रहेगा ये स्टीरअप्स का 8 mm का, तो वो हो जाएगा 72 mm, ओके। अब क्या हो गया कि यहाँ पे हुक लेंथ भी निकाल ली हमने। अब यहाँ पे कैसा है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे जो ये जो हुक जो बेंड हो रहा है यहाँ पे 135 डिग्री पे बैंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 135 डिग्री पे बैंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे बैंड हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सर्कुलर में जा रहा है ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि 135 पे, लेकिन यहाँ पे जब आप उसको देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसका बनाऊँ तो ये देखो इस तरीके से होएगा रिंग का, ये हुक हो गया और ये रिंग ऐसा जा रहा है ना। तो यानी ये 90 डिग्री पे बैंड हो रहा है। इसको अगर आप सीधा कर देंगे, यानी कि इसको आप सीधा कर देंगे तो ये इस तरीके से ही रहेगा, यानी कि ये 90 डिग्री पे ही बेंड है, यानी कि ये 90 डिग्री पे बेंड है, ना कि 135 डिग्री पे, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसका निकाल लेते हैं कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुत ही ईजी और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो क्या लेंगे, सबसे पहले इसका पाईडी हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर कॉलम है तो हमें इसका पेरीफेरी जाना रहेगा कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना पेरीफेरी होता है, इसलिए हम यहाँ पे पाईडी ले रहे हैं। प्लस कर देंगे हम इसके अंदर 2 into हुक लेंथ, ये एक हुक है ये दूसरा हुक है, यानी इसलिए मैंने 2 into हुक लेंथ कर दिया। अब यहाँ पे आपको मालूम है पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है। ये डाया ऑफ बार नहीं है, ये डायमीटर ऑफ रिंग है जो यहाँ पे लिखा मैंने रिंग डाया, तो वो है 220, ओके। फिर इसको मैं प्लस किया 2 into हुक लेंथ निकाले 72 mm। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 834.8 mm, यानी कि ये हो जाएगा 835 mm। अब ये mm में हो गया, अगर इसको मीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा 0.83 meter। तो इस तरीके से आप कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरअप्स निकाल सकते हैं सर्कुलर कॉलम का। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो ये एक एग्जांपल था, आप इस एग्जांपल को लेके किसी भी डायमीटर के कॉलम का आप कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरअप्स निकाल सकते हैं। एक्चुअली कैसा होता है कि जहाँ पे 90 डिग्री पे बैंड होता है वहाँ पे 2D माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2D माइनस नहीं किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है, मैंने उसका इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि जितना हमको बताया जाता है कि 45 डिग्री पे 1D माइनस होता है, 90 डिग्री पे 2D माइनस होता है, और 135 डिग्री पे 3D माइनस होता है, ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता है, क्योंकि मैंने उसको प्रूफ किया है। इसलिए मैंने यहाँ पे डिडक्शन नहीं किया है बैंड का। इवन जो साइड वे फिटर लोग कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरअप्स निकालते हैं या कटिंग लेंथ निकालते हैं वो भी बैंड को माइनस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कटिंग लेंथ जो निकलता है वो बराबर निकलता है। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला फार्मूला है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरअप निकालने के लिए सर्कुलर कॉलम का। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।